सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं। ऑटोमोबाइल जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लॉन्चिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के लिए ग्राहकों में काफ़ी उत्सुकता दिखाई देती है। चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बाइटोन शानदार इलेक्ट्रिक सेडान कार लाने वाली है। बाइटोन के बाइट नाम की यह इलेक्ट्रिक कार को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार होने की संभावना है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 520 किलोमीटर तक चलेगी। आइए आपको इस इलेक्ट्रिक सेडान के बारे में बताते हैं। बाइटोन के बाइट इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट को पहली बार साल 2018 में पेश किया गया था। कुछ लीक रिपोर्टर्स ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक कार साल 2020 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। के बाइट इलेक्ट्रिक सेडान को दो वर्जन में लॉन्च किया जाएगा। कार का बेस वेरिएंट 70 किलोवाट और टॉप वेरिएंट 90 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। 70 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आने वाला व्हीकल एक बार फुल चार्ज होने पर 250 माइल यानी करीब 402 किलोमीटर का चलेगा। वहीं 90 किलोवाट बैटरी पैक वाले वेरिएंट की रेंज 323 माइल यानी करीब 550 किलोमीटर तक होगी। लेटेस्ट ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम की बात करें तो बाइट के अनुसार ये के बाइट कार लेवल 4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम से लैस होगी। वहीं इसमें सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेवल 3 सेल्फ ड्राइविंग हार्डवेयर है। के बाइट जब लॉन्च होगी तब लेवल 4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम काफ़ी शानदार रहेगा। स्लिक डिज़ाइन और शानदार इंटीरियर के चलते इस इलेक्ट्रिक कार ने लोगों को अट्रैक्ट किया है। कार के अंदर काफ़ी बड़ी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन दी गई है, जो कि फ्रंट डैशबोर्ड एरिया को कवर करती है। इसके अलावा स्टेयरिंग व्हील पर एक छोटी स्क्रीन भी दी है। कार का इलेक्ट्रिक बैच कलर में है। बाइट के बाइट इलेक्ट्रिक कार के बेस मॉडल को जल्द ही भारत में पेश किए जाने की संभावना है। तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करें मत जाएगा। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 850 लाइक का। जल्दी से 850 लाइक के टारगेट को पूरा करें और चैनल को सपोर्ट करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।